हाय, तो आपने सोच ही लिया कि YouTube बनाना ही है, तो चलो देख लेते हैं कि उसके लिए क्या सच में चाहिए। तो सबसे बड़ी सवाल और सबसे बकवास सवाल जो माइंड में आती है वो होती है कि काश हमारे पास भी कैमरा रहता। तो ये चीज दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। अगर मेरी बात करो तो मैं एक ऐसी थर्ड क्लास फोन यूज करता हूँ जो अभी फिलहाल अमेजोन पर भी अवेलेबल नहीं है। मैं आगे बताऊंगा कि वो कौन सी फोन है। तो आपको शूटिंग के लिए कोई एक्सपेंसिव कैमरे की जरूरत नहीं है, आप एक नॉर्मल फोन से शूटिंग कर सकते हैं, ये बहुत होता है। दूसरी प्रॉब्लम आती है माइक की, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें माइक भी चाहिए, अच्छा क्वालिटी भी चाहिए और कम दाम की भी होनी चाहिए। तो मैं एक ऐसा ही माइक यूज़ करता हूँ जो है बोया मॉडल M1। इस माइक की खास बात करें तो ये काफ़ी इसकी लॉन्ग वायर होती है जो मैं ट्राइपॉड को काफ़ी दूर रख कर भी शूटिंग कर सकता हूँ। और दूसरी इसकी जो सबसे खास बात है कि ये सभी इंस्ट्रूमेंट में फिट हो जाती है, चाहे आपका लैपटॉप हो या कैमरा हो या आपका फ़ोन हो या टैबलेट हो, ये सब में फिट हो जाता है। और सबसे बड़ी जो सवाल आती है इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसकी ओरिजिनल प्राइस देख सकते हैं। अगर इसकी नॉइज रिडक्शन की बात करें तो ये नॉइज रिडक्शन करता है, पर उतना नहीं जितना कि फिल्मों में दिखाया जाता है। ये नॉइज रिडक्शन करता है लेकिन बहुत कम। अभी मेरा फैन चल रहा है तो आप आवाज़ मेरा देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा नॉइज रिडक्शन करता है। और जो अगले इसकी इंपॉर्टेंट है वो मैंने देख कर ही खरीदा था, जो इसका लुक है। और इसका लुक इतना प्रोफेशनल लगता है कि ये और माइक की तरफ भद्दा और बड़ा नहीं लगता। ये काफ़ी स्मूथ है और लुक भी काफ़ी ज़्यादा देता है। और जो थर्ड सवाल आती है हमारी माइंड में वो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग होती है कि हमें एडिटिंग नहीं आती है तो एडिट कैसे करेंगे। अगर आपके पास फ़ोन है तो आप जाओ गूगल प्ले स्टोर में और डाउनलोड करो काइन मास्टर। मैं भी इसे यूज करता हूँ और इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा एडिटिंग होता है। एक यूट्यूब के लिए एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए इतना काफ़ी है। जो मैं ट्राइपॉड यूज करता हूँ, जो मैं मोबाइल स्टैंड यूज करता हूँ, वो भी बहुत ही कम प्राइस की है, क्योंकि मुझे एक जगह रखना रहता है तो उसके साथ खेलना नहीं है। आपको जानना है कि कौन से मैं ट्राइपॉड यूज करता हूँ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। अगर मेरी पर्सनल बात करें तो मैं इसके अलावा भी कुछ यूज करता हूँ, जो वीडियो एडिटिंग के लिए तो नहीं करता हूँ लेकिन प्रैक्टिस के लिए जरूर करता हूँ। तो मेरे पास मैकबुक है तो मैं इसका आई मूवी सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ जो एडिटिंग के लिए है। दूसरी जो सॉफ्टवेयर है वो है फिल्मोरा, जो कि पेड है, फ्री नहीं है। वो आपको लगभग 4 या 5 हज़ार को खरीदने पड़ेगी। और मेरा सबसे जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है एडिटिंग के लिए जो कि मैकबुक के लिए है वो है फाइनल कट प्रो। इसका लगभग प्राइस है अप्रोक्स 25,000, यानी 25,000 उसका दाम है उस सॉफ्टवेयर का। तो मैं उसका ट्रायल वर्जन ही सिर्फ यूज़ करता हूँ। और मैं फ़ोन भी वैसा ही पर्सनल यूज़ करता हूँ जिसका नाम है Samsung Galaxy X5, जिसका लुक कुछ ऐसा है। और मैंने जब लिया था उसे तो वो था 33,000, यानी 33,000, और अब इसकी प्राइस है लगभग 22,000। तो इसकी प्राइस रेड लाइट एरिया से भी ज़्यादा गिरती है, तो इसे इम्पोर्टेंट नहीं दिया जा सकता। और जो मेरे पास थर्ड फ़ोन है वो है पैनासोनिक की। मैं इसे सिर्फ इसीलिए खरीदा हूँ ताकि इसे देख कर गुस्सा कर सकूँ। और मेरी जो चौथी फ़ोन है वो है नोकिया 3310, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसकी प्राइस घटती बढ़ती रहती है तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। तो इसका कुछ लुक ऐसा है। और जो मैं स्क्रिप्ट के लिए यूज़ करता हूँ, यानी स्क्रिप्ट प्रैक्टिस के लिए कि मुझे बोलना क्या है, मुझे किस टॉपिक बनाना है, तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ LED टैबलेट पर, जिसका कुछ ऐसा लुक है। तो मैं इस पर लिखता हूँ फिर इसे टाइप कर इरेज कर देता हूँ। तो आप देखना चाहेंगे कि ये कैसा टैबलेट है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि उस फ़ोन का क्या नाम है जो मैं अपने शूटिंग के लिए यूज़ करता हूँ। तो उसका नाम है J76, जो कि 2016 की मॉडल है। तो आप इसे भी जाकर देख सकते हैं गूगल पे कि इसकी प्राइस क्या है क्या नहीं है। तो मैं काफ़ी थर्ड क्लास का फ़ोन यूज़ करता हूँ अपने शूटिंग के लिए, इससे आपके पास बेहतर ही होगा। तो आप एक कैमरे के ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए, एक फ़ोन से भी बहुत अच्छा शूट होता है। और जितने भी मैंने ऐप सॉफ्टवेयर बताया है वो काफ़ी कूल हैं जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। अब बात कर लेते हैं स्टैंड की। तो मेरे स्टैंड का कुछ ऐसा लुक है जो कि मिनी स्टैंड है, स्टिकी स्टैंड। और दूसरा जो स्टैंड यूज़ करता हूँ वो ये है, और जो मैं अपने मोबाइल स्टैंड के लिए यूज़ करता हूँ। तो एक यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए इतने गैजेट काफ़ी है। और अगली वीडियो में जानेंगे कि यूट्यूब क्रिएट कैसे करें जो प्रोफेशनली लगे और उसको हैक ना किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एडियोगा मैक्स टेक चैनल।